أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तिब्बी फायद रखने वाली जड़ी बूटियों में एक बाबूना नामी पौधा है जिसको कैमोमाइल कहा जाता है। कैमोमाइल जनूबी एशिया से अमेरिका तक पाया जाने वाला मशहूर पौधा है। इसकी कई इकसाम हैं। बाज इकसाम के फूलों से तेल बनता है, बाज इकसाम के फूलों से सफूफ बनता है और कुछ इकसाम के फूलों से चाय तैयार होती है। इस पौधे के फूल को गुले बाबूना कहते हैं। इसके सफेद फूल ज्यादा खुशबूदार और मुअस्सर होते हैं। फूलों के अंदर ही बीज भरे होते हैं। इस पौधे के फूल, बीज और जड़ें दवाओं में इस्तेमाल होती हैं। बाबूना से हासिल किए गए तेल में चामोलिन होता है जो बुनियादी तौर पर एंजेलिक एसिड और टैगलिक एसिड से तश्कील पाता है। तिब इस्लामी व यूनानी में कैमोमाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जर्मनी में इस जड़ी बूटी को होम्यो मेडिसन में इस्तेमाल किया जाता है। कैमोमाइल से तैयार करदा चाय मुतद्दद अमराज का शाफी इलाज है। इसे कुदरती इंसुलिन का खजाना भी कहा जाता है। ये बूटी शुगर की दुश्मन भी कहलाई जाती है। इससे बनी चाय इंसान को सुकून बख्शती है और तने हुए आसाब को नॉर्मल करती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में कैमोमाइल फ्लावर की चाय बहुत शौक से पी जाती है जो अपने तिब्बी फवायद और मशहूर कुन खुशबू के लिहाज से बेमिसाल है। जबकि पाकिस्तान के दिगर इलाकों जैसे पंजाब व सिंध वगैरह में गुले बाबूना की चाय कम ही पी जाती है, लेकिन अमरीका और यूरोप में इसका इस्तेमाल आम है। वहाँ बाबूना के जौहर से बनी अद्वियात भी मिलती हैं। 2018 में अमरीका के तिब्बी साइंसदानों ने बेचैनी के शिकार मुतद्दद अफराद जिनमें खवातीन और मर्द शामिल थे को 8 हफ्ते तक बाबूना से बनी हुई चाय पिलाई। उन्होंने देखा कि इसकी बदौलत वो तकरीबन सब बेसुकूनी से निजात पा गए। सदियों से गुले बाबूना को यूनान, मिस्र और रोम में जख्मों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसे जदीद तहकीक ने भी दुरुस्त साबित किया है। तिब्बी माहरीन के नजदीक ये चाय शुगर के मरीजों के लिए भी इंतहाई अफादियत की हामिल है। ये एंटीबैक्टीरियल है और सर्दी से होने वाली खांसी, फ्लो और बुखार वगैरह के मरीजों के लिए इंतहाई सूदमंद है। बर्तानिया में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कैमोमाइल की चाय पट्ठों के दर्द और खिंचाव में आराम देती है। इसकी बनी हुई चाय मैदे के अमराज मसलन गैस और अल्सर वगैरह के लिए इंतहाई मुफीद है। कैमोमाइल टी की मदद से नींद के मसाइल से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से बेहतर और पुरसकून नींद आती है। ये बवासीर का कुदरती इलाज है और अक्सीर की हैसियत रखता है। इसकी बनी चाय सेहतमंद जल्द के हसूल के लिए भी मुफीद है और खवातीन इसे नेचुरल स्किन क्लिंजर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। मगरबी मुहक्किकीन तिब ने इस बात का इम्कान भी जाहिर किया है कि ये कैंसर के खिलाफ भी मुअस्सर है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में मजीद तहकीक जारी है। गुले बाबूना की चाय पर होने वाली एक और तहकीक के मुताबिक इसको रोजाना एक हफ्ता पीने वालों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है और नर्वस सिस्टम को ताकत मिलती है। कैमोमाइल टी, कैमोमाइल आयल, कैमोमाइल पाउडर व दिगर खालिस और मियारी अशिया खरीदने के लिए www.chiltanpure.com पर तशरीफ लाएं। मालूमाती वीडियोस तक बरवक्त रसाई के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, ये वीडियो आम मालूमात के लिए है। इस हवाले से अपने डॉक्टर से भी जरूर मशवरा लें।